खबर जनपद मिर्जापुर से है, जहां पर प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मिर्जापुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संघ ने सरकार से गुहार लगाई है कि उत्तर प्रदेश में समस्त बीडीसी को विकास निधि मानदेय एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की भांति ही बीडीसी के भी अधिकारों के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई कि 10 लाख प्रतिवर्ष विकास निधि बीडीसीओ को व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही मिलना चाहिए, साथ ही मानदेय अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की बात ही बीडीसी सदस्यों को भी मिले। प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संगठन 8 बिंदुओं की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह, ओम प्रकाश भारतीय संघ रोहित, राज कुमार यादव, गोविंदा प्रजापति आदि उपस्थित रहे। जी क्या नाम है? मैं मुकेश सिंह, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य स्वाभिमान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पे 12 ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और हम सभी अपने अधिकार, अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए उपस्थित हैं। अभी तक जिस प्रकार से प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, इन सबका चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत होता रहा, उसमें प्रधान को महत्व मिलता रहा है। बाकी उसी तरीके से हम लोग भी जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिस तरह से प्रधान चुने जाते हैं। तो हम लोगों की कुछ मांगे हैं जो कि हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी का निवेदन है, हम लोग चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को सुने और उस पर कार्रवाई करें जो भी उचित हो, क्योंकि हम लोग अभी तक उपेक्षित रहे हैं और हम चाहते हैं कि अब उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होती है। आज़ादी के बाद से अभी तक 70 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस समय हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं इस समय। अच्छा। और अमृत महोत्सव के इस वर्ष में भी हम चाहेंगे कि कम से कम बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी उनका अधिकार दिया जाए। और अधिकार के अंतर्गत क्या कि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का वित्तीय बजट मिले, ताकि हम लोग अपने जो क्षेत्र, हमारा क्षेत्र पंचायत या एरिया होता है, उसमें हम लोग विकास संबंधित कार्य करा सकें। और हम लोगों को 1500 रुपया प्रति मीटिंग भत्ता हो, और साथ में जाने के लिए क्या चाहिए, मानदेय की बात हो रही है, जिस तरह से प्रधान को मानदेय दिया जाता है, उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी मानदेय दिया जाए। इन्हीं सब 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे मिर्जापुर जिला के जनपद के मुख्यालय पे, यहाँ पे हम लोगों का एक दिवसीय धरने प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसे माननीय जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में हमारे नगर मजिस्ट्रेट सर ने उसको स्वीकार किया है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है, हम सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मांग है, इस मिर्जापुर जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश के जो हमारे स्वाभिमान संघ के जो हमारे पदाधिकारी या जो हमारे सदस्य हैं, हर सदस्यों की ये मांग है कि हमें वित्तीय अधिकार दीजिए, ताकि हम लोगों का भी अस्तित्व बना रहे। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते।